नमस्कार। आज हम बनाएंगे कड़ा प्रसाद। जी हाँ, गुरुद्वारे में जो प्रसाद मिलता है उसे कड़ा प्रसाद कहते हैं। इसे बनाने के लिए हमें लगेगी 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी शक्कर, 1 कटोरी घी और 3 कटोरी पानी जो मैंने बर्तन में डाल रखा है। इसे हमने उबालना है और थोड़े से ड्राई फ्रूट, इसमें हमने काजू और बादाम लिया होगा। चलिए बनाते हैं कड़ा प्रसाद। हमने पानी चढ़ा दिया है उबालने के लिए, इसे मैंने स्लो पे ही रखा है। उससे साथ साथ में हम आटा भी भूनेंगे। हमने कढ़ाई ली है, फ्लेम मीडियम रखा है। सबसे पहले आटे को इसी प्रकार भूनना है ताकि उसकी खुशबू आ जाए और थोड़ा सा कलर चेंज होए। आप जब भूनेंगे तो इसे लगातार हिलाते जाइएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। इसे कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे भूनने में। हम आटे को भून रहे हैं, इसे वक्त लग सकता है लेकिन आप अपना काम छोड़िएगा नहीं, इसे लगातार हिलाते रहिएगा। आटे की खुशबू आने लगी है लेकिन इसे हम और थोड़ा सा पकाएंगे ताकि हमारा जो प्रसाद है वो थोड़ा डार्क ब्राउन होना चाहिए। इसके लिए जब आपको ऐसे लगे कि इसका कलर चेंज होने लगा है तब इसमें घी डाल जाएगा। आप देखेंगे कलर में फर्क पड़ा है। अब इस स्टेज में हम घी डालेंगे। घी गर्म है, सो बी केयरफुल, पकड़ के साथ पकड़ कर ही इसे डालिएगा। धीरे से पहले इनिशियली हिलाना है ताकि इसके छींटे ना उड़े, और जैसे ये एक बार घुल जाए आप देखेंगे आटे का कलर ब्राउन हो गया है। इसे और थोड़ा सा ब्राउन करना है और लगातार हिलाते जाना है। आप देखेंगे ये और थोड़ा ब्राउन हो गया है। इस स्टेज में हम शक्कर डाल देंगे। शक्कर डालने के एक और ऑप्शन है, आप पानी के साथ इसे उबाल सकते हैं। हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस जैसे वो मेल्ट हो जाए तो गैस बंद कर सकते हैं। और हमने दूसरा मेथड लिया है, हमने डायरेक्ट आटे के अंदर ही शक्कर डाल दी है। इस तरह भी प्रसाद बहुत अच्छा बनेगा। खुल गया है, गैस बंद कर रही हूँ। अब ये पानी हमने इसमें डालना है। धीरे धीरे करके डालिएगा क्योंकि, और एक साइड से भी डालिएगा क्योंकि ये उड़ेगा। साथ ही साथ में आप देख रहे हैं इसे स्टर करते जाना है। ध्यान देना है कि लम्स फॉर्म नहीं हो जरा भी। आप इसे हिलाते जाइए जब तक ये इकट्ठा ना हो जाए और साइड्स ना छोड़ दें। आप देखेंगे मैं इसे साइड में ले रही हूँ तो बिल्कुल स्टिकी नहीं है साइड से। जब ये ऐसे होने लगे तो समझ जाइएगा कि हमारा जो कड़ा प्रसाद है वो तैयार हो गया है। इस स्टेज में मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। देखेंगे साइड्स पूरे छूट गए हैं, जेली जैसा हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रसाद जो है तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। लीजिए, हमारा कड़ा प्रसाद तैयार है। बहुत ही सिंपल और फटाफट बनने वाला स्वीट डिश, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।